subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मूव जोर हो गया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48 अमवात, एक ही दिन में 2435 नए मरीजों की तशखीस हुई है। सानहे मच के शहदा को मेरी आमद तक ना दफना कर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, वजीर आजम कहते हैं भारत पूरी तरह इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। वजीर दाखिला का मच वाक़े में इंटरनेशनल माफिया के मुलव्वस होने का दावा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी मुस्ताफी हो गए, PTI मरकजी क्यादत की जानिब से फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब किया गया। सोशल मीडिया पर गुस्तखाना मवाद की तशहीर पर 3 मुलजिमान को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। अदालत ने एक मुलजिम प्रोफेसर अनवार को 10 साल कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। कामरान अकमल PCB के रवैये से नाखुश, कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल कहते हैं मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफी को अल्लाह पर छोड़ता हूँ। Greenish hand sanitizer, Ala clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 48 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,558 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,97,510 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,435 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,43,511, सिंध में 2,22,999, खैबर पख्तूनख्वा में 60,536, बलूचिस्तान में 18,314, गिलगित बल्तिस्तान में 4,878, इस्लामाबाद में 38,842, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,430 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 70,02,706 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,369 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,53,828 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,285 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 48 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,558 हो गई। पंजाब में 4,221, सिंध में 3,670, खैबर पख्तूनख्वा में 1,710, इस्लामाबाद में 436, बलूचिस्तान में 186, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 234 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मच वाकया उस साजिश का हिस्सा है, जैसे मैंने पहले बताया था, भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना इंतशार फैलाना चाहता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे मुल्क में हज़ारा कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, जितना जुल्म उन पर हुआ पाकिस्तान में किसी पर नहीं हुआ। मच में हज़ारा कम्युनिटी के 11 अफराद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमारे हज़ारा के लोग बड़ी मुश्किल में बैठे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि खुफिया एजेंसीज ने 4 बड़े वाक़ियात को रोनुमा होने से रोका। काबीना में बताया था कि उल्मा को कत्ल करके इंतशार फैलाया जाएगा, बड़ी मुश्किल से हमने ये आग बुझाई। इसमें मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 4 बड़े बड़े ये जो दहशतगर्दी के इवेंट्स होने लगे थे और एक इस्लामाबाद के बाहर,
वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से बच गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है। पेशावर, लाहौर, कराची और क्वेटा में दहशतगर्दी की इत्तलात हैं। हमने सरगोधा, इस्लामाबाद और कराची से दहशतगर्द पकड़े हैं। हमने चार ऐसे गिरोहों को पकड़ा जो शिया सुन्नी के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते थे, जबकि हजारा कम्युनिटी के कत्ल में इंटरनेशनल माफिया मुलविस है। और हमने चंद महीनों में चार ऐसे गिरोह पकड़े हैं जो कि शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे। सानिहा मच के मुतासिरीन का लाशों के हमरा धरना छठे रोज में दाखिल हो गया है। सख्त सर्दी में खवातीन, बूढ़े और बच्चे भी धरने में बैठे हैं। सानिहा मच के मुतासिरीन से यकजहती के लिए मुल्क भर में धरने जारी हैं। कराची के 29 मकामात पर भी सानिहा मच के मुतासिरीन से यकजहती के लिए धरना जारी है। इन मकामात में पावर हाउस चौरंगी, नुमाइश, कामरान चौरंगी, सफारी पार्क, शारा फैसल, नस्त फलकनाज अपार्टमेंट, मलीर 15, अब्बास टाउन, नीपा चौरंगी, शाह फैसल ब्रिज, खुदा की बस्ती, मस्कन चौरंगी, नाजमाबाद चौरंगी नंबर 1, जौहर मोड़, कौरंगी नंबर 1.5 और 2, स्टील टाउन चौरंगी, अंचोली, बोर्ड ऑफिस नाजमाबाद, सफूरा चौरंगी, किरण अस्पताल, KDA फ्रेट सुरजानी, आयशा मंजिल टावर, मेट्रो ब्रिज जानिब कॉलोनी, नागन चौरंगी, पीपल्स चौरंगी नॉर्थ नाजमाबाद, जियाउद्दीन से लंडी कोतल, स्टार गेट, कौरंगी क्रॉसिंग, मिलिट्री गेट, शारा फैसल और सिंगर चौरंगी कौरंगी शामिल हैं। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 24 साल से पार्टी के साथ हूं, दूसरी बार इस्तीफा मांगा गया। PTI मरकजी क्यादत की जानिब से फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात से कबल PTI सिंध में बड़ी तब्दीली। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी मुस्तफ़ी हो गए। PTI रहनुमा ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 24 साल से पार्टी के साथ हूं, दूसरी बार इस्तीफा मांगा गया। PTI मरकजी क्यादत की जानिब से फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब किया गया। याद रहे PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी से गुज़िश्ता बरस 30 सितम्बर को भी इस्तीफा तलब किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्तखाना मवाद की तशहीर के मुकदमे में 3 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमा गुज़िश्ता 4 साल से ज़ेर समाअत था, जिस पर अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करके 15 दिसंबर 2020 को फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने आज बरोज जुमा मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 3 मुलजिमान अब्दुल वहीद, राना नोमान रफाकत और नासिर अहमद को सजाए मौत का हुक्म दिया। अदालत ने एक मुलजिम प्रोफेसर अनवार को 10 साल कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा और मुलजिमान पर जुर्म साबित हुआ है। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल पाकिस्तान कप से ड्रॉप किए जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी टीम के सीनियर खिलाड़ी कामरान अकमल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कारकर्दगी दिखाने के बावजूद पाकिस्तानी कप से ड्रॉप किए जाने पर हैरान हूं। बतौर सीनियर खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाने के बावजूद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान को टैग करते हुए दरख्वास्त की कि वो इस मामले को देखें। कामरान अकमल ने यह भी कहा कि क्रिकेट मेरा जुनून है और मैं खेलना चाहता हूं। ख्याल रहे कि कामरान अकमल को पाकिस्तान कप वन डे टूर्नामेंट के लिए सेंट्रल पंजाब में शामिल नहीं किया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।